सेना में अग्निवीर के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच तलवार खिंच गई है। दोनों ही द्वारा अग्निवीर को लेकर एक दूसरे पर झूठ बोलने के आरोप लगाए जा रहे हैं। देश और अग्निवीरों का अपमान बताकर माफी मांगने की बात भी की जा रही है। नमस्कार, द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र यादव। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि शहीद होने वाले अग्निवीरों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और ना ही उन्हें शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में ही राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा था कि नेता विपक्ष झूठ बोल रहे हैं, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो, एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, अग्निवीर को सरकार 1 करोड़ रुपए दे रही है। वहीं दूसरी ओर अब राहुल गांधी वीडियो जारी कर कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीरों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर संसद में झूठ बोला और इसके लिए माफी की मांग की है। वहीं राहुल गांधी के इस आरोप पर खुद सेना ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। नमस्कार, संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। युवराज ने कल बयान दिया कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज ना कोई पैसा आया हद तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे हैं, सदन में बैठे हंगामा कर रहे हैं भी शहीदा के परिवार को इन्हों की बनती जो सहूलत मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। इसमें कथित रूप से मृतक अग्निवीर के पिता ने कहा कि राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि शहीद अग्निवीरों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है, लेकिन उनके परिवार को ऐसी कोई भी मदद नहीं मिली है। अपने वीडियो मैसेज में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में अपने भाषण में कहा था कि सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है। खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।